वेलकम बैक आहिल टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक्सिस म्यूचुअल फंड आपके पास अगर है तो अपने पोर्टफोलियो में जो आपका बैंक डिटेल्स है पहले वाला वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं। घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि हमारे देश में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इनका जो मेन है वो सारे म्यूचुअल फंड्स का दो है, कारवी और कैम्स। ठीक है, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड कारवी के अंडर में आता है। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन, बैंक डिटेल्स कुछ भी चेंज कराना होता है तो कारवी के ब्रांच ऑफिस में जाके आप करा सकते हैं, या फिर अलग कंपनी से जैसे ICICI, SBI ये सब है तो आप केम्स के MC में जाकर वहां से चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सिस म्यूचुअल फंड को बिना आप कारवी के ऑफिस जाए हुए, बिना कोई एक्सिस म्यूचुअल फंड के ब्रांच में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बिना गए घर से ही आप एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बिना चेकबुक के। ओल्ड वाला पास अगर बैंक का आपके पास चेकबुक नहीं है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और गाइस, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ फिलहाल, ये आपको इस टॉपिक पे वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे सर्च करके देख चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ दिन पहले प्रॉब्लम आई थी। तो मैं सोच रहा था कि यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो मिले जिसको देखकर मैं अपने प्रॉब्लम को रिजोल्व कर पाऊँ, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई वीडियो मुझे नहीं मिला, जिसके कारण से मैं खुद से ही अपना वो किया। और मैंने सोचा कि चलिए कोई के साथ अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो वो YouTube पे आके सर्च करे तो उसके रिलेटेड एक भी वीडियो तो मिल जाए जिससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो मैंने किया है जिस तरह से वही प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। आपके पास अगर पुराने बैंक का जो आपने आपके पोर्टफोलियो में जो है उसका कोई डिटेल्स आपके पास नहीं है तो भी आप जो है बिना चेकबुक के आप यहाँ पे कर सकते हैं। नए वाले बैंक का चेकबुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लैपटॉप अपना ओपन कर लेना है, उसमें ब्राउजर या फिर आप मोबाइल से भी अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए, डेस्कटॉप मोड पे उसको डाल लीजिए। वहाँ पे जाने के बाद जब अपना ब्राउजर आप ओपन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको गूगल में जाके सर्च करना है एक्सिस म्यूचुअल फंड। ठीक है, एक्सिस म्यूचुअल फंड यहाँ पे सर्च करने के बाद उसके ऊपर जो पहला ऑप्शन आपको आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड्स का, देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, अबाउट अस, और ये तीसरा जो ऑप्शन है डाउनलोड्स का, ये डाउनलोड्स के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसके लिए फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे ट्रांजेक्शनल फॉर्म्स, नॉन ट्रांजेक्शनल फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट। ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, तो ये जो आपको बीच वाला ऑप्शन जो मिल रहा है सेकेंड वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपको टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद ऊपर ये जो इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल का ऑप्शन दिख रहा है आप इंडिविजुअल पे ही क्लिक है, यहाँ पे ऐसे ही टिक इसको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, अगर कभी आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है यहाँ पे फॉर्म्स डाउनलोड करने की तो आप ऐसे ही यहाँ पे सारे फॉर्म्स आपको अवेलेबल है, यहाँ से आप फॉर्म्स डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एरो का जो दिखा निशान आप देख रहे हैं इसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी अपना फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज ऑफ बैंक डिटेल्स डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये चेंज ऑफ बैंक डिटेल्स डिक्लेरेशन फॉर्म, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म आ जाएगा खुल के जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल पे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ से अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर लेंगे, या फिर प्रिंटर आपके पास है तो प्रिंट आउट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इस फॉर्म को डाउनलोड करके अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट आउट कर लीजिए, नहीं है तो आप किसी भी यहाँ पे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में आप किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट इसका आपको निकाल देना है, इसके साथ में आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, ओल्ड वाले बैंक का पासबुक का आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास मोबाइल में फोटो है पहले से पासबुक का तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक नए बैंक का चेक,
नया जो बैंक आप ऐड कराना चाहते हैं उसका एक कैंसिल चेक, यानी चेक जो है नए वाले बैंक का, उस पे एक पेन से लिख दीजिए कैंसल, क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर पैन कार्ड लगा दीजिएगा, अगर उसके साथ में फोटो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक फॉर्म फिलअप डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको फिलअप करना है आपको। फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालना है, फोलियो नंबर आपको डालना है, जिस फोलियो के अंदर में अपना बैंक डिटेल आप जो नया वाला ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम डालना है, जिसके नाम से फोलियो है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिए। सेकेंड वाले ईमेल गार्जियन का नेम, अगर माइनर अकाउंट है तो गार्जियन का नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। फर्स्ट होल्डर का पैन कार्ड आप यहाँ पे, यानी कि पैन कार्ड आपको यहाँ पे अपना डालना है, पैन कार्ड का नंबर, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर अपना डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आ जाइए, ओल्ड बैंक डिटेल्स, ओल्ड बैंक डिटेल्स में अपने पुराने वाले बैंक का आपको डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। बैंक नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, सबसे ऊपर कौन सा बैंक है उसका नाम डाल दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए क्लियर अक्षर में, ठीक है। इसके बाद टाइप, करेंट सेविंग, एनआरओ, एनआरई, कौन सा अकाउंट है आप उसके ऊपर यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। ब्रांच नेम अपना डाल दीजिए, यहाँ पे ब्रांच का नाम डालिए, सिटी नेम यहाँ पे डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, बैंक का पिन कोड, जो बैंक जिस पिन कोड के अंदर में आता है उसका पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, पासबुक पे मेंशन रहता है, ठीक है। आईएफएससी कोड आपको डालना है यहाँ पे, एमआईसीआर कोड आपको यहाँ पे पासबुक पे मिल जाता है फ्रंट पेज, वो आपको यहाँ पे डालना है। 9 डिजिट का होगा एमआईसीआर कोड, 11 डिजिट का आईएफएससी कोड, ये सब डाल देना है। ओल्ड डिटेल्स आपने डाल दिया पहले वाले बैंक का जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको न्यू बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है, दूसरे वाले ऑप्शन में। न्यू बैंक डिटेल्स में आपको सेम ऑप्शन आपको डालना है, यहाँ पे बैंक नेम, जो नया वाला बैंक आप ऐड करना चाहते हैं उस बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिए, टाइप करेंट सेविंग क्या है वो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, और ब्रांच का नेम डालिए नए वाले बैंक का, सिटी डालिए कौन से सिटी में है, पिन कोड डालिए नए वाले बैंक का, पिन कोड डालिएगा जिस एरिया में वो आता है, आईएफएससी कोड डालिए, 11 डिजिट का होता है, पासबुक पे आपको मिल जाएगा फ्रंट पेज पे, एमआईसीआर कोड 9 डिजिट का होता है, वो भी आपको फ्रंट पेज पे पासबुक के मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डालने के बाद अब आपको डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, फर्स्ट यूनिट होल्डर, इसमें आपको सिग्नेचर करना है, साइन करना है, और साइन करने के बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं अंकजन स्लिप, यहाँ फोलियो नंबर आप यहाँ पे नीचे डाल दीजिए, ठीक है। फोलियो नंबर आप नीचे यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। नीचे डालने के बाद ये आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब फॉर्म को आप यहाँ पे काम कीजिए, एक फोटो यहाँ पे ले लीजिए अपने मोबाइल से, या फिर स्कैन कर लीजिए, स्कैन आप कर सकते हैं, जिसको स्कैन कर लीजिए, एक फोटो ले लीजिए इसका, ठीक, क्लियर फोटो होना चाहिए। साथ में इसके साथ अपना कैंसिल चेक जो है नए वाले बैंक का, उसका भी फोटो खींच लीजिए मोबाइल से, या फिर उसको स्कैन कर लीजिए। इसके साथ में दो हो गया डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको अपने पुराने वाले बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज आपको फोटो ले लेना है या फिर स्कैन कर लेना है। तीन पन्नों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका हो गया, 3 पेज का। इसके बाद आप अपना एक पैन कार्ड का फोटो जो है साथ में डाल दीजिए, खींच के फोटो डाल लीजिए, स्कैन कर लीजिए। ये चार मैंने डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, ये चारों पेज जो है आप यहाँ पे एक साथ कर लीजिए। इसके बाद फोटो आप भेज सकते हैं, जो मैं आपको मेल आईडी बता रहा हूँ, या फिर आप पीडीएफ फाइल मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा बनाता है लोग, वैसे भी आप पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं, इन चारों का पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा, अच्छा है चारों का, या फिर फोटो भी भेज सकते हैं, ठीक है। और इनका जो आपको पीडीएफ फाइल या फोटो आप रेडी कर लीजिए, और आपको इसको सेंड करना है। सेंड कौन सा करना है, यहाँ जो मैं आपको अभी ईमेल आईडी दिखा रहा हूँ, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है एक्सिस म्यूचुअल फंड को, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, customerservice@axisamf.com, आई रिपीट, customerservice@axisamf.com, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इस मेल आईडी पे मेल करना है, और इसके साथ में ये लिखना भी है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अच्छा है, वहीं पे नीचे अटैच कर दीजिएगा पीडीएफ फाइल, और सब्जेक्ट लाइन में लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट चेंजिंग एप्लीकेशन, ठीक है, या बैंक अकाउंट चेंज एप्लीकेशन, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद वहाँ पे नीचे लिख सकते हैं आप, जो आप मैसेज जो टाइप करते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं, डियर सर आई वॉन्ट टू चेंज माई ओल्ड बैंक अकाउंट एंड न्यू वन दिस,
आप अपना नया वाला जो बैंक, पुराना वाला बैंक अकाउंट का डिटेल वहाँ आप लिख दीजिए और नया वाला बैंक अकाउंट का नेम लिख दीजिए और